नमस्कार, आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट है। भागलपुर से बांका, तेलिया, बाराहाट, पुनसिया, पिपराडी, कटोरिया एवं देवघर जाने के लिए नई ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। यह नई ट्रेन का सारा डिटेल में शामिल समय, रूट, ठहराव, किराया, ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको हमारे इस वीडियो में बताया जाएगा और यह वीडियो पूरा अवश्य देखें ताकि कोई भी जानकारी अधूरी ना रहे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इंडियन रेलवे के आर को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। भागलपुर से नई ट्रेन का परिचालन शुरू होने गया है। इसके लिए रेलवे ने कवायद शुरू कर दी है, साथ ही ट्रेन के समय सारणी को लेकर भी बात चल रही है। सब कुछ ठीक रहा तो दिवाली से पहले नई ट्रेन का परिचालन शुरू होगा और भागलपुर के रास्ते देवघर के बीच यह ट्रेन बांका होकर जाएगी। अभी अगरतला देवघर साप्ताहिक एक्सप्रेस चलती है, इस कारण से यह ट्रेन ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ऐसे में यहाँ के यात्री सड़क मार्ग से बाबा नगरी यानी कि देवघर जाते हैं। बांका के रास्ते देवघर तक रेल लाइन बिछाने का काम 2014 में ही पूरा कर लिया गया था। 4 साल पहले बांका से देवघर के लिए डेमू यानी डीजल मल्टीपल यूनिट का परिचालन हो रहा था, पर भागलपुर से एक भी ट्रेन नहीं चल सकी। तत्कालीन DRM 2016 के वर्ष में इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया था, जिसके बाद भागलपुर के यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर से प्रतिदिन पैसेंजर ट्रेन चलाई। 106 किलोमीटर की दूरी मात्र 4 घंटे में की गई थी पूरी। भागलपुर से वाया बांका के रास्ते देवघर की दूरी 106 किलोमीटर है। इस दूरी को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन को 4 घंटे लगते हैं और एक्सप्रेस ट्रेन को 2 घंटे। एक ही रैक सुबह से भागलपुर से खुलती है और शाम में देवघर चली जाती है। तो चलिए जानते हैं इस नई ट्रेन का परिचालन जो हुआ होगा उसका ठहराव किन किन स्टेशन पर रखा गया है। इस नई ट्रेन में 8 कोच लगे होंगे, जिसमें एक महिला कोच, एक गार्ड कोच के साथ साथ एक लगेज कोच भी होगा। ट्रेन की खासियत यह है कि इसके बीच में इंजन होगा और ट्रेन भागलपुर से खुलने के बाद कोली, गुटका, गोनूधाम, हाटपुरैना, जगदीशपुर, टेकानी, संझा, बेला होते हुए धौनी, पिपराडी, पुनसिया, बाराहाट, तेलिया और बांका पहुंचेगी। बांका से खुलने के बाद ककबाड़ा, करजहौसा, कटोरिया, भलुआ, चांदन, न्यू नवाडी रुकते हुए देवघर पहुंचेगी। इस ट्रेन से 2 जिलों के हजारों यात्रियों को होगा सहूलियत। ट्रेन चलने से भागलपुर के साथ साथ बांका जिले के हजारों यात्रियों को काफ़ी सहूलियत होगा और देवघर जाने के लिए एक नई ट्रेन भी मिल जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए इंडियन रेलवे के आर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें।